नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप सबने अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा। अभी हमारे सभी के मन में यही है कि अभी नीट की कट ऑफ कितनी जा सकती है ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर होने के बाद में। तो मैंने 21 जुलाई 2022 को एक वीडियो पब्लिश किया था जो काफी बड़े सर्वे के बाद में किया था, यानी कि 3-4 दिन मैंने इस सर्वे में लगाए थे। तो आइए एक बार उस वीडियो को हम यहां पर देख लेते हैं। मैं बता देता हूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी तीनों की समान सी कट ऑफ जाती है वो 595 मैंने यहां आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस की हो सकता है 594, एक दो मार्क्स ईडब्ल्यूएस की कम जा सकती है यहां पर, लेकिन ओबीसी की रैंक में कम जाएगी लेकिन मार्क्स सेम रहेंगे। अब इसमें हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 475 यहां कट ऑफ इनकी जा सकती है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन इसमें 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो इसमें हम बात करेंगे यहां कि इनकी कट ऑफ 445 रह सकती है। अभी ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है ये सारा कोचिंगों के डाटा से एनालिसिस करके, स्टूडेंट से एनालिसिस करके, उनके पेपर का क्वेश्चन देख के कि कितने स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें मैंने काफी सारी मेहनत करके ये फाइनल कट ऑफ। वीडियो में आपने देखा है जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी 21 जुलाई 2022 को, वही कट ऑफ रहने वाली है। मैंने उस समय आपको बताया था कि जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की रैंक है वो 22,500 तक जा सकती है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को उस समय कमेंट्स करके बोला था कि आपके अकॉर्डिंग तो 595 पर जो रैंक रहेगी वो 22,500 रहेगी। तकरीबन वैसा का वैसा ही जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है, क्योंकि 597 पे 22,000 है और 595 पर 22,500 के नियर बाई रैंक आ रही है 22 में, तो कट ऑफ तो वही रहने वाली है। मैंने आंसर की आने के बाद एक बार थोड़ा सा ये बताया था कि ये कट ऑफ 590 से 595 जा सकती है, लेकिन 590 तक ये कट ऑफ नहीं आएगी। जो मैंने 21 जुलाई 2022 को जो वीडियो बना के कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ एक्यूरेट रहने की पॉसिबिलिटी है। मैं कट ऑफ यहां पर रैंक आपको दोबारा से बता देता हूं, 595 पर 22,500 रैंक पर कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ये 500 अप डाउन हो सकती है, 500 अप डाउन हो सकती है, 23,000 भी हो सकती है, 22,000 भी हो सकती है। तो 595 कट ऑफ रह सकती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,05,000 कट ऑफ रह सकती है 475 मार्क्स के नियर बाई, और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1,20,455 के नियर बाई ये कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी की। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ यही रहने वाली है। अब की बार फिर से हम कट ऑफ के जो एनालिसिस हैं, जो मैंने सर्वे किया था उसमें हम खरे उतरे हैं। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इस बुक में मैंने हरेक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बता रखा है, 2022 में ऑल इंडिया में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है उसके बारे में बता रखा है, लिस्ट दे रखी है, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी, इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा, आयुष, वेटनरी, स्टेट, एमबीबीएस, बीडीएस सभी के लिए बुक अवेलेबल है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। कौन सी रैंक पे कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार उसके नियर बाई ही इस बार कट ऑफ जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसमें ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक में आपको 500 या फिर 1000 के नियर बाई वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया है यहां पर। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ये जानकारी थी रैंक आने के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।